युग हैरानी के साथ यामिनी से पूछता है, कौन आया था यामिनी, तुम किसकी बात कर रही हो? यामिनी अभी भी युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। ऐसा लग रहा था जैसे यामिनी अभी भी कहीं और ही खोई हुई हो, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। युग अपने दोनों हाथों से यामिनी को पकड़ता है और उसे हिलाते हुए बोल पड़ता है, ऐसे चुप मत रहो यामिनी, बोलो कौन आया था यहाँ, क्या हुआ यहाँ पर? यामिनी युग को देखते हुए सब कुछ बताते हुए कहती है, युग बाबू, जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि आप बिस्तर पर नहीं थे। आपको ढूंढने के लिए मैं कमरे से बाहर निकली थी और बाहर निकलते ही मुझे रूम नंबर 666 से खटपट की आवाजें सुनाई दी, और जब मैं वहां पर गई तो मैंने देखा फर्श पर जो ट्रायंगल के अंदर आंख का निशान बना हुआ था, उसकी पुतली के अंदर से धुआं निकल रहा था। सिर्फ धुआं ही नहीं, उसके अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। युग यामिनी को टोकते हुए कहता है, कैसी आवाजें यामिनी? यामिनी जवाब देती है, वो बहुत ही अजीब आवाजें थी युग बाबू, उन आवाजों को सुनकर मुझे लगा कि आप अदृश्य कमरे के अंदर हैं, इसलिए मैं भी उसके अंदर चली गई, और जब मैं उसके अंदर गई तो मैंने वहां पर देखा कि। इतना कहते ही यामिनी अतीत के पलों में चली जाती है, ठीक उस वक्त के अंदर जब वो आंख की पुतली के अंदर कूदी थी। इस वक्त यामिनी आंख की पुतली के अंदर कूद कर नीचे वाले तल पर आ चुकी थी और वो अदृश्य कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी। वहां पर ढेर सारा अंधेरा छाया हुआ था जिस कारण ज्यादा कुछ अच्छे से यामिनी को भी नजर नहीं आ रहा था। उसे अभी भी फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। यामिनी फिर युग को पुकारते हुए कहती है, युग बाबू आप अंदर हैं क्या? युग बाबू, यामिनी की पुकार का सामने से कुछ जवाब नहीं आता है। वो अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाती रहती है। जब यामिनी अदृश्य कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर काला लबादा पहने हुए दो आदमी खड़े हुए थे। वो दोनों आदमी अदृश्य कमरे के अंदर जो लकड़ी की बड़ी सी खाने वाली अलमारी बनी हुई थी उसके पास खड़े हुए थे, जिसमें अलग अलग शक्तियों से बनाई गई बॉटल्स रखी हुई थी। उन दोनों आदमियों का चेहरा उस अलमारी की तरफ ही था। मोटा वाला आदमी कहता है, अरे इतना वक्त क्यों लगा रहा है, कोई सी भी ले ले। पतला वाला आदमी बोलता है, हाँ हाँ उठा ही रहा हूँ तो चिल्ला क्यों रहा है? यामिनी उन दोनों आदमियों को एकटक देखते हुए हैरानी के साथ कहती है, कौन हो तुम दोनों और यहाँ पर क्या कर रहे हो? जैसे ही यामिनी ये बात बोलती है वो दोनों आदमी पीछे पलट जाते हैं। जब वो पीछे पलटते हैं तो यामिनी देखती है कि उन दोनों आदमियों का चेहरा काले लबादे से ढका हुआ था, जिस कारण यामिनी को उन दोनों का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। यामिनी गुस्से के साथ फिर बोल पड़ती है, मैंने पूछा कौन हो तुम दोनों और यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो दोनों आदमी यामिनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों आदमी भी यामिनी के वहां पर आने से घबरा गए थे और उनकी ये घबराहट उनके कांपते हुए हाथ पैरों को देखकर साफ समझ आ रही थी। उन दोनों के काले लबादे देखकर यामिनी समझ गई थी कि वो दोनों काले साए की मुर्दों की सेना से थे, क्योंकि काले साए की मुर्दों की सेना भी उसी तरह काले लबादे पहना करते थे। यामिनी फिर बोल पड़ती है, उस काले साए ने तुम दोनों को यहाँ पर भेजा है ना, बताओ क्यों भेजा है उसने तुम दोनों को यहाँ पर? यामिनी उन दोनों को एकटक देखते हुए उनसे बातें ही कर रही थी कि तभी उसकी नजर उन दोनों आदमियों के हाथ पर जाती है, जिसमें उन आदमियों ने अपने हाथों में बॉटल पकड़ी हुई थी। वो बॉटल उन दोनों ने उस अलमारी के खानों में से ही उठाई थी जो वहां पर रखी हुई थी। यामिनी तुरंत बोल पड़ती है, ये बॉटल लेने आए हो ना तुम दोनों यहाँ पर? वो दोनों आदमी खामोश ही रहते हैं, यामिनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देते हैं। यामिनी उन दोनों पर दबाव बनाते हुए फिर गुस्से के साथ बोल पड़ती है, वो काला साया क्या करना चाहता है इस बॉटल का, उसने तुम दोनों को ये बॉटल लेने के लिए क्यों भेजा है? वो दोनों आदमी अभी भी कुछ नहीं बोलते हैं, बस एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। यामिनी गुस्से के साथ बोल पड़ती है, नहीं बोलना तुम दोनों को, कुछ मत बोलो, मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए तुम दोनों ये बॉटलें यहाँ से कैसे लेकर जाते हो, मैं तुम्हें ये बॉटल्स यहाँ से नहीं ले जाने दूंगी। पतला वाला आदमी भारी आवाज में कहता है, हम भी ये बॉटल लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाले यामिनी। जैसे ही यामिनी उस पतले वाले आदमी के मुंह से अपना नाम सुनती है वो हैरान रह जाती है। यामिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, आखिर ये दोनों है कौन और ये मेरा नाम कैसे जानते हैं? यामिनी ने इतना सोचा ही था कि तभी मोटा वाला आदमी बोल पड़ता है, इस बॉटल को यहाँ से ले जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता यामिनी, तू भी नहीं। यामिनी गुस्से के साथ उन दोनों को घूरती रहती है। वो दोनों आदमी एक दूसरे का हाथ थामते हैं और अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाते हैं। यामिनी मन ही मन मंत्र पढ़ती है ताकि अपने मंत्रों की शक्ति से उन दोनों पर वार कर सके, पर मंत्र पढ़ने के बाद भी कुछ होता ही नहीं है। यामिनी खुद से परेशान होते हुए कहती है, ये क्या, मेरे मंत्र काम क्यों नहीं कर रहे हैं? पतला वाला आदमी हंसते हुए भारी आवाज में कहता है,
लगता है तुझे पता नहीं है ये अदृश्य कमरा है, वो अदृश्य कमरा जहां पर कोई भी शक्ति काम नहीं करती है, तो तेरी शक्ति कैसे काम करेगी यामिनी? उस आदमी के मुंह से ये बात सुनकर यामिनी हैरान रह जाती है। उसके समझ नहीं आ रहा था कि इस बात का पता उस आदमी को कैसे था, क्या वो इससे पहले भी इस अदृश्य कमरे में आया था। शक्ति काम ना करने के बावजूद भी यामिनी जरा सा भी घबराती नहीं है, बल्कि बड़ी ही बहादुरी के साथ पलट कर कहती है, मेरी शक्तियां इस कमरे में काम नहीं कर रही तो क्या हुआ, मेरे हाथ तो काम कर रहे हैं ना, तुम दोनों को रोकने के लिए तो मेरे हाथ ही काफी हैं। इतना कहकर यामिनी उन दोनों पर धावा बोल देती है। यामिनी उन दोनों आदमियों से लड़ने लग जाती है। वो दोनों आदमी भी यामिनी से लड़ने लग जाते हैं। पतला वाला आदमी जो था उसे तो यामिनी एक बार में ही लात मार कर दूर फेंक देती है और वो दूर जाकर दीवार से टकरा कर नीचे गिर जाता है, पर मोटे वाले आदमी से लड़ने में उसे काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी, वो यामिनी को बराबर की शिकस्त दे रहा था। यामिनी ने अपने दोनों हाथों से उस बोतल को पकड़ लिया था और वो उस मोटे वाले आदमी से उस बोतल को छीनने की कोशिश कर रही थी। वही मोटा वाला आदमी जिसने अपने हाथ में नीले रंग की अंगूठी पहनी हुई थी। अदृश्य कमरे में कम उजाला होने के कारण वो अंगूठी और भी ज्यादा चमक रही थी, जिस वजह से यामिनी की नजर उस पर पड़ गई थी। यामिनी उस मोटे वाले आदमी से उस बोतल को छीनी रही थी कि तभी वो पतला वाला आदमी वापस से खड़ा होता है और भागते हुए यामिनी के पास आता है। वो पीछे से ही उसकी चोटी पकड़कर खींचने लग जाता है। वो इतनी कसकर यामिनी की चोटी खींचता है कि उसकी चोटी खुल जाती है, उसके बाल बिखरने लग जाते हैं। यामिनी दर्द भरी कराह के साथ चीख पड़ती है, आह! पतला वाला आदमी यामिनी की चोटी खींचते हुए कहता है, तू हमसे नहीं लड़ पाएगी यामिनी, हमें जाने दे यहाँ से, हम यहाँ पर किसी को मारने नहीं आए हैं, बस ये बोतल लेने आए हैं जिसे हमारे काल स्वामी ने मंगवाया है। मोटा वाला आदमी जिससे यामिनी अभी भी बोतल छीनने में लगी हुई थी, वो यामिनी से कहता है, मारने तो तुझे खुद हमारे काल स्वामी आएंगे, वो भी बहुत जल्द। यामिनी आक्रोश के साथ कहती है, जिसको आना है आने दो, मैं सबसे लड़ लूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, न तुझे न तेरे उस काल स्वामी को। इतना कहकर यामिनी बड़ी ही चालाकी के साथ अपना एक हाथ बोतल पर से हटाती है, नीचे झुकती है और फुर्ती के साथ पीछे से जो पतला वाला आदमी उसकी चोटी खींच रहा था उसका पैर पकड़कर खींच देती है। वो पतला आदमी फिर एक ही बार में धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। इस बार जब वो नीचे गिरता है तो उसके सिर में चोट लग जाती है और वो दर्द से कराहते हुए अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लेता है। यामिनी फिर अपना हाथ ऊपर करके उस मोटे वाले आदमी से उसकी बोतल छीनने लग जाती है। यामिनी नोटिस करती है कि वो पतला आदमी जो नीचे गिरा था उसने गिरते वक्त अपने आप को बचाने से पहले उस बोतल को फूटने से बचाया था, जैसे वो बोतल उसे उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी हो। उस पतले वाले आदमी ने अभी भी बोतल को पकड़ कर रखा हुआ था और वो दर्द से कराह रहा था। यामिनी ने अपनी पूरी जान लगा दी थी, पर वो मोटा वाला आदमी उस बोतल को छोड़ ही नहीं रहा था। जब यामिनी देखती है कि कई कोशिश करने के बाद भी वो उस मोटे वाले आदमी से बोतल नहीं छीन पा रही है, तो वो उसे पीछे की तरफ धक्का देने लग जाती है, पर उस मोटे आदमी के कदम जरा से भी पीछे नहीं हटते हैं। मोटा वाला आदमी हंसते हुए कहता है, तू ये क्यों भूल रही है यामिनी कि तू एक औरत है और एक औरत मर्द का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। एक औरत मर्द के पैर की धूल होती है और उसे मर्द के जूते के नीचे ही रहना चाहिए। यामिनी आग बबूला होते हुए गुस्से के साथ कहती है, हाँ मैं एक औरत हूँ, वही औरत जो वक्त आने पर चंडी बन सकती है और काली भी, वही काली जिसने अपने क्रोध की आग में संसार के स्वामी को अपने पैरों तले दबा दिया था और अब वही औरत तुझे भी दबा देगी। इतना कहकर यामिनी आक्रोश में अपनी पूरी ताकत के साथ उस मोटे आदमी को पीछे की तरफ धक्का देने की कोशिश करने लग जाती है। वो इतनी ताकत लगाती है कि आखिरकार उस मोटे वाले आदमी को पीछे की तरफ अपने कदम खींचने पड़ ही जाते हैं। यामिनी उस आदमी को धक्का देते हुए दीवार की तरफ ले आती है। वो मोटा आदमी जैसे ही दीवार से जाकर टकराता है उसे एक तेज झटका सा लगता है, जिसका फायदा उठाते हुए यामिनी हाथ की पकड़ को मजबूत करते हुए पूरी तरह से बोतल को अपनी तरफ कर लेती है। यामिनी बोतल को अपनी तरफ करते हुए ही कहती है, मैंने कहा बोतल छोड़। वो मोटा आदमी अपने दोनों हाथ यामिनी के हाथ पर ही रखता है और उससे बोतल छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, नहीं ये बोतल मैं नहीं छोड़ने वाला, इसे मैं यहाँ से लेकर ही जाऊंगा यामिनी। यामिनी गुस्से के साथ पलट कर कहती है, ना तू यहाँ से कहीं जाने वाला है, ना ही ये बोतल यहाँ से कहीं जाएगी, समझा तू? जब वो आदमी देखता है कि यामिनी ने बोतल को पूरी तरह अपनी तरफ कर लिया था, तो वो आदमी यामिनी के हाथों पर नोचने लग जाता है, जिस कारण यामिनी का एक हाथ बोतल पर से हट जाता है। पर अगले ही पल वो वापस से अपना हाथ उस आदमी के हाथ पर रख देती है जिससे वो उसे नोच रहा था। यामिनी की नजर उस मोटे आदमी के घुटनों पर पड़ती है,
यामिनी उसी वक्त अपना पैर उठाती है और पूरी जान के साथ उस मोटे आदमी के दोनों घुटने पर एक एक लात फुर्ती के साथ मार देती है। वो आदमी दर्द भरी कराह के साथ चीख पड़ता है। इसी आह के साथ वो मोटा आदमी धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। नीचे गिरने से उसके चेहरे पर जो लबादा था वो कुछ पीछे हट गया था, जिस कारण उसका कुछ हल्का सा चेहरा दिखने लग गया था। उसके चेहरे का कुछ हिस्सा देखकर यामिनी को ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस चेहरे को पहले भी कहीं देखा हो। यामिनी के अंदर उस मोटे आदमी का चेहरा देखने की इच्छा जाग जाती है। यामिनी उस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश करते हुए कहती है, आखिर तुम हो कौन? दूर से देखने पर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो मोटा आदमी आखिर था कौन। इसी वजह से यामिनी उसके पास जाने लग जाती है। वो मोटा आदमी इतना ज्यादा दर्द से कराह रहा था कि उसका यामिनी पर ध्यान ही नहीं था। वो तो बस अपनी बोतल पकड़े हुए था और दर्द से कराह रहा था। यामिनी उस मोटे आदमी के पास पहुंच जाती है और अपने हाथ से उसके चेहरे से लबादा हटाने लग जाती है। यामिनी उस आदमी के चेहरे से लबादा हटा ही रही थी कि तभी पीछे से पतला आदमी एक मोटा सा लोहे का रॉड लेकर आता है और यामिनी के सिर पर वार कर देता है। यामिनी दर्द भरी आह के साथ चिल्ला पड़ती है, आह! रॉड पड़ते ही यामिनी धड़ाम से फर्श पर नीचे गिर जाती है। यामिनी इतनी तेजी से नीचे गिरी थी कि वो दोबारा उठ ही नहीं पा रही थी। वो पतला वाला आदमी यामिनी को देखते हुए कहता है, चाहूं तो मैं तुझे अभी मार दूं, पर मैंने कहा ना, काल स्वामी तुझे मारने के लिए खुद आएंगे। इतना कहकर वो आदमी तुरंत मोटे वाले आदमी के पास जाता है और उसे वहां से उठाते हुए कहता है, चल जल्दी उठ और भाग यहाँ से, अगर ये उठ गई तो फिर फंस जाएंगे। ये औरत नहीं, शेरनी है, शेरनी। मोटा वाला आदमी हिम्मत करके उठता है और लंगड़ाते हुए वहां से पतले वाले आदमी के साथ भागने लग जाता है। उन दोनों ही आदमी ने अपने अपने हाथ में एक एक बोतल पकड़ कर रखी हुई थी और वो दोनों उसे लेकर भाग रहे थे। ये देखकर यामिनी को अपने आप पर गुस्सा आने लग गया था। वो जानती थी यही मौका था उन दोनों को पकड़ने का। इसके बाद वो उन दोनों को नहीं पकड़ पाएगी, इसलिए हिम्मत करके यामिनी वापस से खड़ी होती है और उन दोनों के पीछे भागने लग जाती है। सिर पर गहरी चोट लगने से यामिनी का सिर घूमने लग गया था, जिस कारण उसे सब चीजें गोल गोल घूमती हुई नजर आने लग गई थी। वो चीजों को ज्यादा अच्छे से नहीं देख पा रही थी, जिस कारण वो ज्यादा तेज भाग नहीं पा रही थी। यामिनी उन दोनों आदमियों के पास पहुंच पाती है उससे पहले वो दोनों अदृश्य कमरे से बाहर निकल जाते हैं। यामिनी भी उन दोनों के पीछे पीछे अदृश्य कमरे से बाहर निकल जाती है। जब वो बाहर निकलती है तो शॉक्ड रह जाती है, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। यामिनी खुद से हैरानी के साथ कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।